आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर आपको वजूद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं, वजूद तो इंसान को अपने आप में इतनी ऊंची उठानी चाहिए कि ताकि सामने वाला व्यक्ति या फिर सुनने वाला व्यक्ति आपके जीवन से कुछ सीख ले सके। नहीं, कहा भी जाता है कि जीवन में इंसान को कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए ताकि वो दूसरे के लिए इंस्पिरेशनल पर्सन के रूप में उभरे। कहा भी जाता है कि अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके लेकिन भूल ना सके। नहीं, और ना भूलने के पीछे रीज़न क्या है कि आपको उस इंसानों के प्रति या फिर कुछ ऐसा वर्क आपको करना होगा तभी कोई व्यक्ति आपको छोड़ने के बाद उसे केवल एक ही चीज़ों की सज़ा मिलेगी कि आखिर मैंने उसे छोड़ा क्यों, और वो सज़ा बिल्कुल उसके पूरे जीवन भर के अफसोसों से भरा होगा। नहीं, कहा भी जाता है कि जब उस प्रकार के व्यक्तियों से मुलाकात हो तो मुझे वक्त के अनुसार थोड़ा सा ढल जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आप वक्त के अनुसार नहीं ढलते तो फिर वक्त तो अच्छा तरीका से आपको ढाल देना सिखाई देता है। नहीं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। नहीं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो। नहीं, अक्सर व्यक्ति क्या करते हैं, मजबूरियों को कोसते रहते हैं कि यार मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। आखिर गीता के बारे में आप सारे व्यक्तियों ने सुना भी होगा, गीता में बहुत अच्छे बातें की चर्चा भी करी गई है कि जो हुआ अच्छा हुआ। और जानते हो कि बूढ़ा किसी एक नॉर्मल व्यक्तियों के जीवन में नहीं होता। नहीं, बूढ़े जो भी कुछ घटनाएं कुछ घटित होती हैं वो ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में ही घटित होती है कि वो व्यक्ति सही रूपों में उस बूढ़े वक्त में भी सही किरदार निभा सकता है। नहीं, हर एक व्यक्तियों में वो कैपेसिटी कहाँ होती कि जो बूढ़े वक्त में भी अपने आप को अच्छे से उस किरदार को निभा सके। नहीं, इसलिए जब कभी बूढ़े वक्त जब तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा हो तो ये समझना कि शायद वो उस प्रकार के वक्त को झेलने के लिए शायद मैं ही एक ऐसा इंसान भी बना था, इसलिए मेरे जीवन में वैसी बुराइयाँ, बूढ़े वक्त, बूढ़े व्यक्तियों से मुलाकात होना था। नहीं, तभी आपके जीवन में उस प्रकार की बुराइयों वक्तों से झेलना, बूढ़े वक्तों में जीना सीखना सर एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं, तो कहा भी जाता है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नहीं, और हर हाल में तुम तभी चलना सीख पाओगे जब तुम्हें उतनी एबिलिटी होगी। नहीं, कहा भी जाता है कि जीवन में बूढ़े वक्त आपकी अपनी वजूद बढ़ाने के लिए ही आती है, इसलिए बुरे वक्त को कभी कोसना नहीं चाहिए। बुरे वक्त में मजबूरियों की ढेर सारी काउंटिंग लोग स्टार्ट करने लगते हैं जो कि वो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये फिर आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल आगे बढ़ता है ताकि मैं आपके लिए कुछ इसी प्रकार की बातें एज ए मोटिवेशनल वीडियो के रूप में आपको कुछ दे सकूँ। थैंक्स a lot.